ताजे उठाते हैं, कई ताजे उठाते बच्चे को, कई ताजे उठाते बच्चे को, बच्चे को उठाती हूँ तुम्हें। सुदर्शन न्यूज, जो कि अक्सर सोशल मीडिया पर गलत जानकारियां शेयर कर राइट विंग विचारधारा का प्रचार करता है, ने ये वीडियो 1 मई 2023 को ट्वीट किया और लिखा कि बेंगलुरु में कपड़ों से पहचान सकते हैं। शिवाजी नगर बस स्टॉप पर बच्चों के अपहर्ताओं को रंगे हाथों पकड़ा गया। शहर में बच्चों के अपहरण करने का जमावड़ा, सभी जागरूक रहे। ध्यान दें कि ट्वीट की गई पहली लाइन का संदर्भ प्रधानमंत्री मोदी के 2019 में की गई एक टिप्पणी से है, जिसमें उन्होंने मुस्लिम समुदाय के संदर्भ में कपड़ों से पहचाने जाएंगे वाला बयान दिया था। अमिताभ चौधरी ने ये क्लिप ट्वीट की और कहा कि अगर आरोपी अवैध बांग्लादेशी या रोहिंग्या निकले तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। वहीं ऐसे ही दावे के साथ कई यूजर्स ने ये वीडियो क्लिप ट्वीट की है, लेकिन असल में इस वीडियो के पीछे की कहानी क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। गूगल मैप की मदद से ऑल्ट न्यूज ने वीडियो में दिख रही जगह को वेरीफाई किया। वायरल कैप्शन में इस जगह को शिवाजी नगर बस स्टैंड बताया गया है और इसे ध्यान में रखकर हमने मैप पर मौजूद बस अड्डे की तस्वीर को वीडियो के फ्रेम से कंपेयर किया। स्क्रीन पर दिख रही कंपैरिजन से साफ हो जाता है कि यह वीडियो वहीं का है। आगे ऑल्ट न्यूज ने ईस्ट बेंगलुरु के डीसीपी डॉक्टर भीमा शंकर एस गुलेट से बात की। उन्होंने वायरल दावे का खंडन करते हुए बताया कि वीडियो में पानी की बोतल पकड़ा हुआ शख्स इस घटना का आरोपी है। उन्होंने आगे कहा कि आरोपी का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस में इलाज चल रहा था और वो उस दिन वहां अपने माता पिता के साथ जांच के बाद आया था। उसने बच्चे को छीनने की कोशिश नहीं की, वो बस बच्चे को छू रहा था। हालांकि उसने बच्चे को क्यों छुआ इसका कारण स्पष्ट नहीं है। मेडिकल रिकॉर्ड की जांच से ये साफ हुआ कि ये व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार था। पुलिस ने आगे ये भी बताया कि मानसिक रूप से बीमार होने की बात जानने के बाद बच्चे के माता पिता ने शिकायत नहीं दर्ज करवाने का फैसला लिया था। यानी मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के बच्चे को छूने की घटना को सुदर्शन न्यूज ने अलग ही सांप्रदायिक और बच्चा चोरी का एंगल देकर चलाया, जबकि अपने पास मौजूद रिसोर्स के जरिए न्यूज संगठन इस मामले की सच्चाई का पता आसानी से लगा सकता था।